Namaste friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about a general issue in any motor vehicle. ये किसी भी कार में या बाइक में या कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल उसमें ये समस्या आ सकती है. ये समस्या क्या है और इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं हम आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे. तो आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपको पसंद आएगा और पीछे की वीडियो के लिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इशू क्या है. ये देखिए जैसे ही मैं अपना जो इंडिकेशन लैंप है उसको ऑन करूँगा तो ये राइट वाला लैंप जो है ये धीरे धीरे स्लो कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है अपनी स्पीड से. बट जैसे ही मैं लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो उसका जो स्पीड आप देखेंगे ये बहुत फास्ट ब्लिंक कर रहा है. ये इशू कभी कभी आपको लाइफ में आता है और नॉर्मली जिसके पास भी गाड़ी है उसने ये फील किया होगा. तो मैं आपको सबसे पहले इसको डायग्नोस करना बताऊँगा कि इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या इशू है और इसको रिजोल्व कैसे करते हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए. तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको कोई फ्यूज़ वगैरह चेक नहीं करना पड़ता है क्योंकि आपकी इंडिकेशन लैंप्स वर्क कर रहे हैं और बाहर जाके आप देखेंगे तो आपके इंडिकेटर भी वर्क कर रहे हैं. तो उसको डायग्नोस कैसे करना है, सबसे पहले आप हैजार्ड लैंप जो आपका होता है या पार्किंग लाइट जिसको बोलते हैं वो आप ऑन करके देखिए. तो ये मैंने पार्किंग लाइट यहाँ पे ऑन किया. अभी आप देखेंगे ये जो दोनों डायरेक्शन लैंप्स हैं ये अपना नॉर्मल स्पीड से वर्क कर रहे हैं, राइट. तो इसको ऑफ़ कर देते हैं. तो हैजार्ड लैंप चलाने पे नॉर्मल स्पीड है पर ये देखिए मैंने इंडिकेटर ऑन किया तो ये फास्ट हो गया और राइट साइड वाला स्लो हो गया. तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि लेफ्ट साइड वाला जो हमारा इंडिकेटर है उसमें कोई गड़बड़ है और हैजार्ड लैंप चलाने पे ये नॉर्मल स्पीड पे काम कर रहा है, मतलब हैजार्ड लैंप सही काम कर रहे हैं. तो गाड़ी के बाहर एक बार जाके आपको मैं दिखाता हूँ. तो गाड़ी के बाहर आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर जो है वो नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है पर जैसे ही मैं राइट साइड में जाता हूँ ये बहुत फास्ट ब्लिंक कर रहा है. ये आगे के टायर के ऊपर जो इंडिकेटर है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लिंक कर रहा है, ये इसकी नॉर्मल स्पीड नहीं है. तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका फ्रंट में जो इंडिकेटर है जो हेडलाइट के पास में लगा है ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट. तो अभी आपको गाड़ी के पीछे ले चलता हूँ. अभी आप देखेंगे ये राइट साइड वाला इंडिकेटर जो है नॉर्मल स्पीड से ब्लिंक कर रहा है पर जैसे ही मैं लेफ्ट साइड वाला ऑन करूँगा ये देखिए इसका स्पीड तेज हो गया. बट जैसे ही मैं हैजार्ड लाइट ऑन करता हूँ, मतलब पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ, तो दोनों इंडिकेटर का आप स्पीड देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है. मतलब कहने का है हमारा गाड़ी में कोई खास फॉल्ट नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है वो हमें ढूंढना पड़ेगा. ये देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला है बहुत तेज़ ब्लिंक कर रहा है तो इसी को हम रेक्टिफाई करेंगे. तो फ्रेंड्स अभी हम गाड़ी के आगे आ चुके हैं, हमें ऑलरेडी पता है हमारा राइट साइड वाला इंडिकेटर ब्लिंक नहीं कर रहा है. तो ये आप देखेंगे जो कपलर है ये इंडिकेटर का कपलर है, यहाँ पर इसका कनेक्शन है यहाँ से इंडिकेटर के पीछे जस्ट, और राइट साइड में आप देखेंगे तो इसके जस्ट पीछे ये राइट साइड वाला कपलर है इंडिकेटर का, जहाँ से इसका इंडिकेटर का कनेक्शन होता है. करना क्या है आपको, इसको खोलना है. तो खोलने के लिए तरीका इसका सिंपल है, इसके नीचे एक पुश बटन लगा है, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे और इसको पकड़ के खींच लेंगे, राइट. ये सिंपली से बाहर आ जाएगा. अभी इसको जब हम खोलेंगे मतलब बल्ब के होल्डर को, होल्डर खोलने के लिए बहुत सिंपल तरीका है. होल्डर को आप पकड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये मैंने पकड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और इसको आसानी से बाहर खींच लिया, ये हमारा बल्ब आ गया बाहर, राइट. तो अभी हम बल्ब को ओपन करके इसका इंस्पेक्शन करेंगे. खोलने का तरीका सिंपल है, बल्ब को ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. ये देखिए थंब से जस्ट सिंपली हल्का सा प्रेस कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बल्ब आ जाएगा हमारा बाहर, राइट. अभी हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे. बात हमें क्लियर हो चुका है, या तो हमारा बल्ब ख़राब है या तो हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कहीं से टूटा हुआ है. तो एक जो फ्यूज़ बल्ब होता है उसके बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट. इसका जो बीच में आप तार देखेंगे वो तार अलग रहेगा. तो अगर ऐसा आपका बल्ब है तो आप काइंडली बल्ब को चेंज कर दीजिए, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो तब आपको अपना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना है कि कहीं से आपका तार कटा तो नहीं है, पर आपको वहीं चेक करना है बिल्कुल इंडिकेटर के पास में, क्योंकि बाकी सारे इंडिकेटर आपने देख लिए हैं कि वो ऑलरेडी जग रहे हैं, मतलब वो वर्किंग कंडीशन में है, राइट. तो चलिए फ्रेंड्स ये नया बल्ब मेरे हाथ में है, इसका बीच का तार जुड़ा हुआ है और हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाकी हमने चेक कर लिया है, सारा सही है. तो अभी इसको हम बल्ब को दोबारा रीफिट करेंगे होल्डर में और फिट करके देखेंगे हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं. तो इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है,
इसके अंदर बीच में तो स्लॉट्स दिए हुए हैं, उस स्लॉट में इसको बल्ब को घुसाएंगे, इसको प्रेस करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, राइट। क्लॉकवाइज घुमाने के पे हमारा देखेंगे बल्ब एकदम होल्डर में सही फिट बैठ गया। अभी आप रेनो क्विड का अच्छी बात, पॉजिटिव बात जो मुझे लगी, आप ये देखेंगे आपका जो कपलर था, कपलर के अंदर में कुछ येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा, ये दोस्त डाइलेक्ट्रिक ग्रीस है जो कि आपके जो पानी वगैरह चला जाता है उससे प्रोटेक्ट करती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर रेनो। तो चलिए हम अभी जो इसका होल्डर था उसको वापस रीफिट करेंगे। लगाना सिंपल है, वापस लगाया, क्लॉकवाइज घुमाया और ये हमने कपलर अभी वापस फिट कर दिया। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा इशू सॉल्व हुआ या नहीं। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर मेरा बिल्कुल सही चल रहा है नॉर्मल स्पीड में, और ये राइट साइड का भी मैं चलाऊंगा तब भी वो नॉर्मल स्पीड में काम कर रहा है। अभी हम गाड़ी के बाहर जाके देखेंगे हमारा इशू सॉल्व हुआ या नहीं। तो आप देखेंगे दोनों इंडिकेटर मेरे एकदम सही काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।